जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के कुमरुम बस्ती में इन दिनों पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जहां बीते एक हफ्ते से पानी की घोर किल्लत क्षेत्र की जनता झेल रही है, इधर लोगों की समस्या को लेकर भाजपा नेता विकास सिंह ने रविवार को विभागीय अधिकारियों से बात किया, जहां विभागीय अधिकारियों ने संसाधन की कमी का हवाला देते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। उधर विभागीय अधिकारियों के हथियार डालते ही भाजपा नेता ने स्थानीय लोगों के साथ हाथों में हथियार उठाकर पेयजल विभाग के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं भाजपा नेता ने साफ कर दिया है कि अगर एक हफ्ते के भीतर पानी की समस्या दूर नहीं की जाती है तो कार्यालय नहीं सड़क पर आंदोलन होगा। आपको बता दें, यहां के स्थानीय विधायक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। बावजूद इसके यहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, इस विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली NH 33 एवं कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM का भी बुरा हाल है, जहां संवेदकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी MGM अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा सकती है। वहीं भाजपा नेता ने मंत्री पर जोरदार हमले करते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधानसभा पहुंचाया। उन मुद्दों पर मंत्री बनने के बाद बन्ना गुप्ता खड़े नहीं उतर सके। वहीं भाजपा नेता एवं स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए विभागीय अधिकारी कार्यालय छोड़कर फरार हो गए। इंडियन न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। देखिए, कुमरुम बस्ती में जो पार्टी मोजा में है, वहां 6 से 7 दिन से पानी नहीं आ रही है। लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि मुझसे संपर्क किया कि पानी नहीं आ रही है, तो हमने यहां के कार्यपालक अभियंता होरो साहब को और कनीय अभियंता पंडित महतो जी को फोन किया। उनकी पूरी बातें मेरे मोबाइल में कैद है। उन्होंने कहा कि मामला हाई लेवल का हो गया, हमारे हाथ से मामला निकल गया है, हम इसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हथियार डाल दिया, तो हमने हथियार उठा लिया। आज हमने हथियार के साथ आए हैं यहाँ सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए, और कहे कि पैसा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि हमारी जो मूलभूत सुविधा है, अंग्रेजी में जिसे यूटिलिटी सर्विस कहा जाता है, पानी बिजली सड़क, वो हमें नहीं मिलेगा तो हम संग्राम सड़क पे करेंगे। यहाँ का जो विधायक है, जो मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं। आज ही अखबार में हमने पढ़ा कि MGM के कर्मचारी काम छोड़कर चले गए। NH में लोगों को जीना दुश्वार हो गया है। प्रत्येक दिन अखबार वाले लोग बड़े बड़े तस्वीर छाप रहे हैं। लगातार यहाँ का जन आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन हमने कहा कि अब कानून हाथ मिलेंगे। आज हरवे हथियार के साथ यहाँ हम लोग आए थे, हमारे हरवे हथियार देख के सारे पदाधिकारी यहाँ से पलायन कर गए हैं। हमने कह दिया कि अगर पानी नहीं आएगा, दिवाली में लोगों को परेशानी हो रही, तो मामला सड़क पर आएगा।